नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ में हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी मुख्यालय पहुंचकर भरा नामांकन पत्र। ज्वालापुर विधानसभा के गांव गांजा माजरा के लोगों ने 2022 चुनाव का किया बहिष्कार। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय ने थामा भाजपा का दामन, टेहरी विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। कर्नल अजय कोठियाल ने किया नामांकन, फूलों की बारिश के बीच डीएम ऑफिस पहुंचे कर्नल कोठियाल। और अब खबर विस्तार से। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से नामांकन पत्र भर दिया है। महाराज ने कहा कि वे पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उन पर एक बार फिर से विश्वास जताकर उन्हें चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में उतारा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्र में चौमुखी विकास किया गया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जनता विकास कार्य को देखते हुए उन्हें भारी मतों से चौबट्टा खाल विधानसभा से विजय बनाएगी। चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है मैं अपने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतागण हैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और निश्चित रूप में ये संकल्प लेता हूँ कि चौबट्टा खाल का मैं विकास करता रहूँगा और उसमें जो भी बड़े बड़े कार्य हमने किए हैं जैसे सतपुली झील, सिंसी झील, इन सबको धरती पर साकार करने का हमारा प्रयास रहेगा और बहुत जल्दी ही हमारा चौबट्टा खाल जो है ये एक टूरिस्ट हब बनेगा। ज्वालापुर विधानसभा के गांव गांजा माजरा के लोगों ने 2022 चुनाव के दौरान 14 फरवरी को होने वाले मतदान का बहिष्कार करने की बात कही है। इस गाँव के बाहर प्रवेश द्वार से लेकर गाँव के अंदर तक ग्रामीणों ने बैनर लगा दिए हैं कि कोई भी राजनेता इस गांव में प्रवेश ना करे। लोगों ने बताया कि उनकी गांव की मूलभूत समस्याओं को जानने के लिए नेता उनके गांव में नहीं पहुंचा। पिछली विधानसभा में जो विधायक रहे उन्होंने इस गांव की जन समस्याओं को जानने का प्रयास नहीं किया, सभी सिर्फ वोट मांगने आए और झूठे वादे करके चले गए। चुनाव बहिष्कार का बोर्ड गाँव में लगा गया है, क्या कारण है? सर, कारण ये है जी, हमारे गांव में इस समय 3 बहुत गंभीर समस्याएं हैं। एक तो शमशान घाट का न होना और गांव की जो मुख्य गलियां हैं वो बहुत गंदी है, टूटी फूटी पड़ी हैं, कीचड़ हो रखा है, उनमें चलन जाता ना जी, हमने बिल्कुल बहिष्कार कर रखा बिल्कुल। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने किशोर उपाध्याय को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले से ही चर्चा चल रही थी कि किशोर उपाध्याय कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। किशोर उपाध्याय लगातार भाजपा संगठन के संपर्क में बने हुए थे, जिसके बाद गुरुवार की सुबह भाजपा मुख्यालय पहुंचकर किशोर उपाध्याय ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि किशोर उपाध्याय के भाजपा में शामिल होने से भाजपा को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। मैंने तो सार्वजनिक मंचों से किशोर उपाध्याय जी के बारे में कहा है कि आप इस तरह की बेबाक नेता है जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए पिछले 4 सालों में अनेक अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को सार्वजनिक रूप से उसकी सराहना की। आज ऐसे किशोर भाई का मैं भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके आने से निश्चित रूप से भाजपा भी हमारे मजबूती की तरफ बढ़ेगी और मजबूती मिलेगी और आप इस विश्वास के साथ उन सब नीतियों को, नरेंद्र मोदी जी के उस विकास की दृष्टि को आप जनता तक पहुँचाने में सहयोगी होंगे, उन्हें आपका भारतीय जनता पार्टी में आज हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने आज उत्तराखंड राजीव भवन में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को वेंटिलेटर पर रखा है। स्वास्थ्य व्यवस्था में दूसरे हिमालय राज्यों में उत्तराखंड की तुलना में 4 गुना अधिक खर्च होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन डॉक्टर का उपयोग किया जाएगा। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली भाजपा सरकार ने उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को वेंटिलेटर पर रख दिया है। उत्तराखंड में जो हेल्थ सर्विस है वो स्वयं वेंटिलेटर पर है। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने आज नामांकन किया है। इस दौरान फूलों की बारिश के बीच कर्नल कोठियाल डीएम ऑफिस पहुंचे।
रास्ते में महिलाओं ने कहीं तिलक लगाकर तो कहीं रास्ते में फूलों की बारिश करते हुए उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। नामांकन से पहले अजय कोठियाल ने बाबा काशी विश्वनाथ समेत कई मंदिरों के दर्शन किए और उत्तराखंड नव निर्माण के लिए आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, उत्तरकाशी से मॉडल की शुरुआत कर पूरे प्रदेश को मॉडल स्टेट बनाएंगे। कर्नल कोठियाल ने कहा, जनता का बढ़ता प्यार उन्हें मजबूत करता जा रहा है। एक पहले फौजी ग्राउंड में था, मैं आज से एक नया स्टेप ले रहा हूँ। वो स्टेप है उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए, जो मैंने इंडियन आर्मी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया था और उसके बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी। तो आज हम नामांकन करा रहे हैं और इसके बाद जिस प्रकार से, पहले तो उत्तरकाशी की बात करूँगा, जिस प्रकार से उत्तरकाशी की जो मूल जरूरतें अगले 3-4 दिन में हम उनको तरतीबवार सबको बताएंगे कि कैसे उन्हें हम पूरा करेंगे। उदाहरण के लिए कल हमने बस अड्डा और पार्किंग उसकी रेकी करी थी। एक आध दिन में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रॉपर मॉडल, प्रॉपर वर्चुअल जैसे वॉक थ्रू होता है, उसको प्रेजेंटेशन के तौर पे दिखा करके क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होंगे वो बता करके हम शुरू कर रहे हैं अपना ये जो नई यात्रा जो शुरू हो रही है। और इसी तरीके से पूरे उत्तराखंड में कैसे उत्तरकाशी में चीजें होंगी उसी को रेप्लिकेट करने का काम धीरे धीरे तरक्की पर। फिलहाल उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे, रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा। देवभूमि के बारे में देवभूमि के वासियों के साथ सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।